खरा आरंभ रु जल कष्ट पानी पाई धाड़ी रे गोरा बाल्टी सकाळ पाहिले पानी पाई संघर्ष करिबाकु पडुछि बड़ी भोरु आरंभ होइ जाउछि एही धाड़ी किछि गोरा बाल्टी माठिया थोइ धाड़ी रे लगाइछन्ति आउ किछि महिला निजे धाड़ी बांधि निज पाळी आसिबाकु अपेक्षा करिछन्ति। बालेश्वर जिला औपदा ब्लॉक कंसपाल गाँवर एक दृश्य जल कष्टर दुख बखाणुची। सका नपाहुण नलकूप आगे लगुच लंबा लंबा धाड़ी छोटू आरंभ करके बड़ समस्ते ढड़ा जलपाई खरा दिन न आसणु आरंभ है जल संकट। दीर्घ 20 वर्ष है गोटे नलकूप उपर गाँवर 300 लोक निर्भर कर चलुंट बाल्टे पापी घंटा घंटा जगवाक पड़ुँ खरा दिने कम पानी बाहर लोकंक समस्या बढ़ी जाइछि। एथर पीवा पानी समस्यार समाधान न हेले भोट बर्जन करिवे बोली चेतावनी देइछन्ति ग्रामवासी। जाता पाइबी पानी मिलुछि कुकुडा गडे दे पाइबी गडे दे कुकुडार झिंटी पडै पाइबी गडे दे आमर पाइबी पानी दरकार नै आ गुटे टियेले आमर बापा पाइ चाहु छै सब घर लबे घर लोक भगा घर अछि मनुष्य संख्या बेसी अच्छा गोटे टेल देख ये लोक ठिया हवा के समय आम ठिया हवा आम छुआ पा घर थे किए गोटे कटी छुआटे थी कहार किए जन सुस लगे थी पानी नहीं थी आम घर पा न पानी नहीं जी बेलू तार हसा उड़ी जाइए तार किसी तार से क्या किए जानु। सोलार पानी जल प्रकल्प फेल पापाई डहल विकल ग्रामवासी 8 वर्ष तले गाँव में लक्षाधिक टंका खर्च होता सोलार पानी जल प्रकल्प अचल परठू पानी समस्या बढ़ी जाइछि। पानी टोपे पई एबेठु दहगंज होबाकु पड़ुछि आगकु खरा बढ़िले स्थिति कौन हेबो चिंता करिपारु नहांती आदिवासी बहुल मालकानगिरी जिला उशोकागुड़ा गाँवर लोके। गाँव में 7 नलकूप थिले मध्य 6 नलकूपरु गोलिया पानी बाहरुछि केवल गोटे नलकूपरु सफा पानी बाहरुथिबारु भिड़ हेउछि लोक समस्यार सम्मुखीन हेउछन्ति। खबर पाई कालीमळा ब्लॉक उपाध्यक्ष गाँ को जाई पानीय जल समस्या संपर्क में ग्रामवासी आलोचना करिछन्ति। तो कोई कोई तो सैकल 8 वर्ष तो किसी तो ये कही पार्ला ना तो आप तो देखुं तार अवस्था पड़ी जमी 500 वृद्ध लोक मैंने बसवास कर आउ सबु नलको मानकरे लाल पानी भारुची रोग आक्रांत मध्य होउची आउ सोलार आमर दीर्घ 8 वर्ष आगरे सोलार प्रोजेक्ट मध्य इठे हेतिला सेटा मध्य 5 मास चलला अचल हेकिना पडिची। विभिन्न स्थान रे एबे देखा दैथिबा पानीय जल संकटर समाधान करा न गले आगकु खरा बढ़िले स्थिति जे आहुरी शोचनीय होई पडिबो एथिरे संदेह नाही। मालकानगिरु दिलीप कुमार स्वाई और कालीमेळारु दुशासन महापात्रों का रिपोर्ट कनक न्यूज़।